जय हो श्री कृष्ण। अर्थ है एकादशोध्याय। जय हो श्री कृष्ण। अर्जुन वाच मदनो गृहाय परम गुह्यम अध्यातम संगीतम यतव्युक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। अर्जुन बोले मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तृशो मया तवतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमलेत्र मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति अर्थात परलय विस्तार रूप सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतद्यथात्मात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते परूपमेश्वरं पुरुषोत्तमं। हे परमेश्वर आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तत्सक्यम मया दृष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं व्ययम्। हे प्रभु यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। श्री कृष्ण भगवान बोले हे पार्थ अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यानवसूरनरुद्रानश्विनो मरुत्सत्था बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे वत्वंशी अर्जुन तू तो मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के द्वादश पुत्रों को आठ वसुओं को एकादश रुद्रों को दोनों अश्विनी कुमारों को 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। यह कस्तम जगत कृत सन्नम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुड़ा केश यच्चान्य दृष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख। ना तो माम शक्य से दृष्टु मन्ने नैव सव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्यमे योगमेश्वरम्। परंतु मुझको तू इस अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजयवाच एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमम रूपमेश्वरम। संजय बोले हे राजन महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य रूप ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त नयन मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको दतायुधम दिव्य माल्यांबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। जय हो। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य आभूषणों को से युक्त
और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। देवी सूर्य सहस्रस्य भवेदुग पदुत्थिता यदि भास दृशी सास्याद भास तस्य महात्मनः। आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्र कस्तम जगत कृत्सन्नम प्रविभक्त मनेकधा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तता। पांडव पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विस्मया विष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणमय शिरसा देवं कृतांजलिर भाषत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित श्री अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, पश्यामि देवास्त्व देवे देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मण मिशम कमला संस्थ मनीषिश्च सर्वानो रंगाश्च दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को अर्थात अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहु गर्व नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा पेट मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही देखता। किरीटीनम गदिनम चक्रिनम चैतेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समंता दीप्तान लार्कदूतिम परमेयम। आपको मैं मुक्तयुक्त गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के दृश्य ज्योति युक्त कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोक्ता सनातन त्वम पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। आप ही जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादिम ध्यान्त मंतवीर्य मंतवाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताशवकत्रम सव तेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले तथा अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। द्यावा पृथ्वी व्योदीरिदमन्तरम हि व्याप्तम तव यकेन दिशश्च सर्वः दृष्टाभूतम रूपम तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनम्।
हे महात्मन, आप स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रही हैं। अमीहि त्वाम सुर संघा विचन्ति केचिद् भीतः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति सर्वस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघः स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जय हो श्री कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद।